हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केवीएस विजन एंड मिशन। सो स्टार्टिंग बिफोर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मिशन और विजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए पहले विजन और मिशन के बीच में अंतर क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, देखिए, अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मिशन क्या होता है, तो जो केवीएस के मिशन को अगर मिशन की बात करेंगे तो जो मिशन वर्ड है ये डिस्क्राइब करता है किसी भी स्कूल्स के प्रेजेंट सिचुएशन को या प्रेजेंट चीज़ों को। ठीक है, जैसे हु आर यू, आप केवीएस मतलब आप हैं कौन, वाई आर यू हियर, आप केंद्रीय विद्यालय का काम क्या है, वाई डू यू एग्जिस्ट, आपका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, मिशन में आएंगे। अब बात करते हैं विजन की। द विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स फ्यूचर स्टेट। ये जो विजन है ये फ्यूचर चीज़ों की, आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो, वो डू आई वॉन्ट टू बी, ठीक है, वेयर डू वी वॉन्ट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है। आई होप सो वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आइए केवीएस के मिशन और विजन की बात कर लेते हैं। तो विजन, केवीएस बिलीव्स इन इम्पार्टिंग नॉलेज वैल्यूज एंड नर्चरिंग द टैलेंट एंथुसियाज्म एंड क्रिएटिविटी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स फॉर सीकिंग एक्सेलेंस थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशनल एंडेवर्स। तो मेन मिशन क्या है, टू कैटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्रोग्राम एजुकेशन। To pursue excellence and set the peace in the field of school education. तीसरा है to initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with the other bodies like Central Board of Secondary Education and NCERT. ठीक है, थर्ड है to develop the spirit of national integration and create a sense of Indianness among children. To provide established Indo maintain control and manage schools hereinafter called the Kendriya Vidyalayas for the children of transferable employees of the Government of India, floating populations and other including those living in remote and underdeveloped locations of the country, and to do all the act and things necessary for the conducive to the promotion of such schools. पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद बात करूँगा। इसमें सैलियंट फीचर्स क्या है, कॉमन टेक्स्ट बुक्स एंड बायलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्चर्स फॉर ऑल केंद्रीय विद्यालय, सबके लिए कॉमन बुक्स होंगी और बायलिंगुअल में पढ़ाई होगी। ऑल केंद्रीय विद्यालय आर अफिलिएटेड टू सीबीएसई, सभी केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई से अफिलिएटेड हैं। ऑल केंद्रीय विद्यालय आर को एजुकेशनल कंपोजिट स्कूल्स, को एजुकेशनल स्कूल्स है, ठीक है, उसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। संस्कृत इज टॉट फ्रॉम क्लास 7, तो इसमें संस्कृत जो है कक्षा 7 से कक्षा 8 तक पढ़ाई जाती है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज केप्ट रीजनेबल हाई बाई एन अप्रोप्रिएट टीचर पीपल रेशियो। जो क्वालिटी है उसको रीजनेबल है और हाई है, मतलब अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करती है, किसके साथ, पीपल टीचर रेशियो को बराबर रखते हुए। नो ट्यूशन फी फॉर बाइसप्टो क्लास वी ट्रिपल, मतलब अच्छा 8 तक नो फीस, गर्ल्स अप टू क्लास एक्स डबल आई एंड एस सी एस टी स्टूडेंट एंड चिल्ड्रेन ऑफ केवीएस एम्प्लॉयज़। जो केवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं और कक्षा 12 के बच्चे हैं और एस सी एस टी के हैं, उनकी फीस नहीं लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसी को एक्सप्लेन करते हैं आपसे। तो दृष्टि, इसका विजन क्या हो जाएगा, केवीएस उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज्ञान मूल्य प्रदान करने और अपने छात्रों की प्रतिभा उत्साह और रचनात्मकता का पोषण करने में विश्वास करता है। तो जो केवीएस है ये हाई क्वालिटी की एजुकेशन और जो भी टीचिंग रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें टॉप बनना चाहता है, हाईएस्ट है उसमें, ठीक, और बच्चे को जो ज्ञान और मूल्य प्रदान करता है, जो वैल्यूज और नॉलेज प्रोवाइड करता है, वो ऐसे नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे के अंदर की जो प्रतिभा है, बच्चे के अंदर जो उत्साह है और बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको पोषण करता है और उनको निखारने की कोशिश करता है। ठीक है, वहीं उद्देश्य की बात करते हैं। तो शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा तथा अर्धसैन्य कर्मचारियों सहित स्थानांतरित केंद्र सरकार के बच्चों की शैक्षिक अवस्थाओं को पूरा करना। तो जो सैन्य कर्मी हैं और जो पैरामिलिट्रिक वाले हैं, उनके जो रक्षा वाले रक्षा जो डिफेंस में काम करते हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ये शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने और गति निर्धारित करने के लिए। बिल्कुल, जो स्कूली शिक्षा है इसको बेस्ट, मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट आने के लिए और बेस्ट एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है।
केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई और राष्ट्रीय एनसीईआरटी आदि जैसे निकायों के सहयोग में से शिक्षा में प्रयोग और नवाचारों को शुरू करना और बढ़ावा देना। बिल्कुल, एनसीईआरटी और सीबीएसई की मदद से अपने एजुकेशन में, अपने शिक्षा में नवाचार करना, खोज करना, नई चीज़ें लाना, डेवलप करना, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना और बच्चों में भारतीयता की भावना पैदा करना। बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता, ठीक है, नेशनल यूनिटी को जो फीलिंग्स है उसको डेवलप करना और बच्चों में इंडिया ने इसकी मतलब भारतीयता की, हम सब भारतीय हैं, उसका क्या पैदा करना, उसकी भावना पैदा करना। नेक्स्ट है, भारत सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों, अस्थायी आबादी और देश के दूर दराज और अविकसित स्थानों में रहने वाले लोगों सहित अन्य लोगों के बच्चों के लिए स्कूलों को प्रदान करना। तो भारत सरकार में जैसे जो जिनकी ट्रांसफ़र हो जाती है बहुत दूर दूर, और ऐसी आबादी जो अस्थायी आबादी है और देश के दूर दराज और अविकसित स्थान हैं, उनके लिए स्कूल प्रोवाइड करना तथा उनका रख रखाव करना, उनके लिए नियंत्रण और प्रबंधन करना। और केंद्रीय विद्यालय क्या करता है, इन सब चीज़ों के लिए स्थापित है और उनका समर्थन करता है, उनके रख रखाव, उनके बच्चे की देखभाल करता है, उनका मैनेज करता है। मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं, सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए समान पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक, और द्विभाषी माध्यम में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वहीं दूसरा बात करते हैं, सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है, सीबीएसई से संबद्ध है। सभी केंद्रीय विद्यालय सशैक्षणिक समग्र विद्यालय हैं, बिल्कुल, मतलब को एजुकेशनल है, वहाँ बच्चे बच्चियाँ दोनों पढ़ती हैं। संस्कृत कक्षा VI से कक्षा 8 तक पढ़ाई जाती है। उचित शिक्षक छात्र अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को यथोचित उच्च रखा जाता है। तो वेरी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आर प्रोवाइडेड इन KVs। 8वीं कक्षा तक के लड़कों, 12वीं कक्षा तक के लड़कियों और अनुसूचित जात जनजाति के छात्रों और KVS कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन शुल्क नहीं लगता है। तो आई होप सो, व्हाट आर द मिशंस एंड विजन्स ऑफ KVS एंड केंद्रीय विद्यालय, वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आप इसको जरूर पढ़िए, ठीक है, एक बार नहीं कई बार पढ़िए और इसकी गहराइयों को जानिए कि विजन क्या है, मिशन क्या है KVS के और उसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।